हेलो फ्रेंड्स, आप IAS डेली स्टैटिक MCQ डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है मौद्रिक नीति जो कि RBI की देखरेख में संचालित होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं भारत में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दो प्रकार की नीतियों का संचालन किया जाता है, एक मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। जो मौद्रिक नीति होता है उसकी देखरेख केंद्रीय बैंक यानी कि RBI के द्वारा की जाती है, जो राजकोषीय नीति होती है उसकी देखरेख केंद्र सरकार के अंतर्गत की जाती है। आपको बताना है मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दिए गए ऑप्शन में मूल्य स्थिरता बनाए रखना, बेरोजगारी के निम्न स्तर को बनाए रखना, बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों का निपटारा करना, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के विनिमय मूल्य की सराहना करना। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें प्राथमिक उद्देश्य का तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, क्योंकि RBI के मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसी के अंतर्गत 2016 में कुछ संशोधन किए गए और मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, जिनको लक्ष्य दिया गया है कि भारत में मुद्रा स्फीति की दर को 4%± 2% रखा जाए, यानी कि भारत में जो मुद्रा स्फीति की दर होगी वो मिनिमम 2% होगी और मैक्सिमम 6% होगी। हालांकि अभी तक मौद्रिक नीति समिति अपने इस लक्ष्य को बनाए रखने में सफल रही है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रुपये के मूल्यह्रास का परिणाम नहीं है। सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि मूल्यह्रास क्या होता है। मान लेते हैं आज $1 की कीमत ₹60 है, एक सप्ताह के बाद $1 की कीमत ₹70 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि मूल्य का ह्रास हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति एक सप्ताह पहले कोई विदेशी वस्तु को खरीदता तो जिसकी कीमत $1 थी तो उसे ₹60 देना पड़ता, लेकिन एक सप्ताह के बाद उसी वस्तु को खरीदेगा तो अब हमें ₹70 देना पड़ेगा, यानी कि हमारे मुद्रा का जो मूल्य है वो अब ह्रास हो चुका है, हमें ज़्यादा कीमत भुगतनी पड़ रही है। अब हम एक एक कथन को देखते हैं। पहला कहता है आयात की लागत में वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, हम अभी इसी को देख रहे थे कि यदि कोई वस्तु भारत के लिए मंगाया जाता है विदेशों से तो अब हमें ज़्यादा कीमत भुगतना पड़ेगा। पहले खरीदते तो ₹60 देना पड़ता, अब खरीद रहे हैं तो ₹70 देना पड़ रहा है, ₹10 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो लागत में वृद्धि हो गया, यानी कि मूल्य ह्रास का परिणाम है। विदेशी यात्राएं महंगी हो जाएंगी। पहले यदि हम अमेरिका जाते तो हो सकता है कि ₹60 देना पड़ता तो अब ₹70 देना पड़ेगा, यानी कि मूल्य ह्रास का प्रभाव विदेश यात्रा में पड़ेगा, यानी कि ये मूल्य ह्रास का परिणाम है। विदेशों से प्रेषण में कमी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता कि कोई व्यक्ति जो आज भी विदेशों में है कमा रहा है, जितनी उसकी वेतन है उतनी ही उसकी वेतन है। भारत में मूल्यह्रास का उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको फायदा होगा। कैसे? अगर वो व्यक्ति अपने परिवारजनों को भारत में पहले यदि $1 भेजता तो उसको उसके परिवार वाले बैंकों में जाकर कन्वर्ट कराते और पहले ₹60 उसके परिवार को मिलता, लेकिन आज एक सप्ताह के बाद जब वो जाएंगे उसी $1 को लेकर तो अब ₹70 हो चुका है, तो उस व्यक्ति के परिवार को और साथ ही जो विदेशों से प्रेषण भेज रहा है, रेमिटेंस भेज रहा है, तो उसको फायदा होगा, उसकी कमी उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विदेशों से प्रेषण में कमी आएगी, नहीं आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि फ्रेंड्स इनको तो फायदा हो रहा है तो इसलिए तो ज़्यादा पैसा भेजेंगे ये। अगला कहता है निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि भारत के मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है तो भारत में निर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, और यदि वो कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु को कीमत बढ़ने के बाद यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजेंगे तो उसे प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा उन वस्तुओं के साथ जिनकी कीमत भारतीय वस्तु की तुलना में कम है। तो
तो इसलिए यहां पर आपको पूछा गया था कि मूल्यह्रास का परिणाम नहीं है, ऑप्शन सी यहां पर आंसर होगा। यहां पर बी लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान के तहत आरबीआई कर सकता है, क्या कर सकता है? आप जानते हैं आरबीआई केंद्रीय बैंक भारत में बैंकों का बाप है, उसको कौन से अधिकार दिए गए हैं बैंकिंग अधिनियम 1949 के माध्यम से आपको बताना है। पहला कहता है बैंक के किसी भी निदेशक या अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जांच करें, यह बिल्कुल सही है, किसी भी अधिकारी चाहे वो महानिदेशक हो, निदेशक हो या फिर उससे निम्न स्तर के कोई अधिकारी हो, जिस पर किसी भी प्रकार का मामला आता है तो उस पर जांच करने का अधिकार आरबीआई को इसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है। अगला कहता है तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी करना, ये बिल्कुल सही है, एनपीए के मामले पर चाहे वो केंद्रीय बैंक चाहे वो सार्वजनिक बैंक हो या फिर निजी बैंक हो, उसको दिशा निर्देश देना, उनके रेगुलेशन को अपने हाथ में लेना, कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार आरबीआई को दिया गया है इसी अधिनियम के माध्यम से, यानी कि दूसरा भी बिल्कुल सही है। किसी बैंक किसी विशेष लेन देन में प्रवेश के खिलाफ बैंकों को प्रतिबंधित करना, ये बिल्कुल सही है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कुछ बैंकों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, उनके संचालन को रोका गया था आरबीआई के द्वारा, उसके संचालन को अपने अंदर अपने रेगुलेशन के अंदर किया गया था, क्योंकि इसी प्रकार के कुछ लेन देन अवैध लेन देन संबंधी गतिविधियां देखी गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में अदृश्य खाते में शामिल नहीं है। आप जानते हैं दो प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। आपको बताना है कि चालू खाता होता है उनके अदृश्य मद में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। आपके दिए गए ऑप्शन में विदेश यात्रा परिवहन बीमा और विदेशी बैंकों से ऋण। फ्रेंड्स विदेशी बैंकों से ऋण जो है ना वो कैपिटल अकाउंट में यानी कि पूंजी खाता में आता है, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए यात्रा को आप कैसे छुएंगे, परिवहन उसे आप कैसे, गाड़ी को आप छू सकते हैं परिवहन को कैसे छुएंगे, वो तो आपका अनुभव है, बीमा इसे भी आप नहीं छू सकते। तो ये सारी अदृश्य चीजें हैं और इसीलिए इसको चालू खाता के अंतर्गत अदृश्य मद में रखा गया है, और जो विदेशी बैंकों से हम ऋण लेंगे वो अदृश्य वो पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यहां पूछा गया था कि कौन अदृश्य मद चालू खाते के अंतर्गत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके दिए गए ऑप्शन में एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन किसी आय उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कोई आय उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। अगला कहता है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाता। तीसरा कहता है ऐसी स्थिति जिसमें सरकार बाजार में अच्छी नौकरियां पैदा करने में विफल रही है, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं है। फ्रेंड्स बेरोजगारी इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति हो उसको जिस दर पर अभी बाजार में जिस कीमत पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उस कीमत पर रोजगार करने की इच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वर्तमान में कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कि रोजगार के अवसर की कमी हो सकता है कुछ झोल हो। तो यदि ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा तो है काम करने का लेकिन रोजगार है ही नहीं, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि वो बेरोजगारी की स्थिति में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें बताया गया है कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने की इच्छुक तो है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति में हम कहेंगे बेरोजगार है।
एक कॉन्सेप्ट है इसी के साथ जुड़ा हुआ। मान लेते हैं कि कोई एमबीए किया हुआ व्यक्ति है, एमबीए किया हुआ कोई व्यक्ति है, और उसको अगर हवलदार का जॉब दिया जाए तो क्या वो रोजगार में है? इस व्यक्ति के कंडीशन के हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये बाजार में इसकी इच्छा, इसने एमबीए कर रखा है, इसकी इच्छा कुछ दूसरे क्षेत्र में थी, ये कहीं और रोजगार करना चाहता था, लेकिन अभी ये हवलदार की नौकरी कर रहा है, तो हम इस व्यक्ति को भी बेरोजगार कहेंगे। भारत सरकार के डेफिनेशन के अनुसार अभी यही है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।